दोस्तों IPL साल 2023 के सीजन में तीन बड़े रूल चेंज होने वाले हैं और इसके ऊपर जो अपडेट आएगी वो यहाँ पर मिनी ऑक्शन से पहले जो AGM मीटिंग होगी उसमें आएगी, जो हम आपको लाइव तो दिखाएंगे बट उसके लिए तो अभी काफ़ी टाइम है। बट लाइव देखना चाहते हो हमारे साथ काफ़ी हाईलाइट्स और एकदम रील्स या ट्रेंडिंग अपडेट्स तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम नीचे लिंक है फॉलो कर लो। बात करेंगे KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में और टीम KKR की दिन भर में काफ़ी सारी अपडेट्स बाहर निकल कर आ रही है और आज के वीडियो में मैं आप सभी फैंस को काफ़ी सारी चीज़ें टीम KKR से रिलेटेड और उनकी अपडेट से रिलेटेड बताऊंगा। और आपको पता ही है टीम KKR का मेन खिलाड़ी कौन है। जी हाँ दोस्तों, सही गैस किया आपने, तो उनके ऊपर भी एक बड़ी अपडेट है, तो सब कुछ आज के वीडियो में क्लियर आउट होने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आप सभी लोग देखना वीडियो को बिल्कुल लास्ट। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपने गुड ओल्डन डेज यहाँ पर काफ़ी मिस आउट करता है, पर दोस्तों पास्ट इज पास्ट, अब उनको फोकस करना होगा फ्यूचर पे। आप कमेंट करके ज़रूर बताओ साल 2023 या फिर ऐसा कौन सा साल होगा जब KKR IPL में धमाका मचाएगी। टॉप अपडेट्स की बात करें, पहली अपडेट आ रही है TKR को लेकर। सो दोस्तों KKR की फ्रेंचाइजी यहां पर है, आप सभी को पता है TKR, जो कि हम जानते हैं टिरबैगो नाइट राइडर्स। तो लीक्स आपको छोटी मोटी अपडेट सबसे पहले मैं दे देता हूं। कुछ खिलाड़ी जो KKR के और TKR के हैं वो ADKR में खेलेंगे UAE लीग के अंदर, और जो बड़े बड़े नाम थे जो UAE लीग के अंदर में देखने को मिलने वाले वो हमने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल चुके हैं ऑलरेडी। आप चाहो तो टेलीग्राम भी फॉलो कर लो, वहां पर भी स्टोरी डाली थी। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो एक और बातचीत यहां पर करें तो TKR इकलौती ऐसी टीम है CPL के अंदर जो एक भी मुकाबला नहीं हारी है और यहां पर चैंपियन बन गई थी साल 2020 में। यानी दोस्तों लीग मुकाबला जब से स्टार्ट हुआ एक भी मुकाबला नहीं हारी, और शुरू की उन्होंने जीत से और अंत भी किया उन्होंने जीत पर। और दोस्तों अब बात करें तो यहां पर जो TKR का हेड कोच होने वाला है वही यहां पर बात कर जाए तो यहां वही हेड कोच KKR में भी आपको होपफुली देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी यहां पर अब CPL स्टार्ट होने वाला है तो हेड कोच कभी भी अनाउंस हो सकता है और यहां पर KKR हो सकता है ये एक्सक्यूज दे दे कि TKR में अलग कोच हो और KKR में अलग कोच हो, बट जो KKR और TKR की पूरी मैनेजमेंट है वो सेम है। तो यहां दोस्तों बात करें मैनेजमेंट वो जो आपको IPL में KKR की तरफ से बेंच पर बैठी हुई देखने को मिलती है वो वाली मैनेजमेंट नहीं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बैक में रहती है जो बैक एंड संभालती है वो मैनेजमेंट। तो देखते हैं दोस्तों हेड कोच को लेकर क्या अपडेट आती है, बट बहुत ही जल्द एक अपडेट आएगी दोस्तों। तो स्टे ट्यून टू आवर चैनल और अभी अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी शेयर कर दो। खैर आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि कौन होना चाहिए KKR का हेड कोच। अगली अपडेट आ रही है आंध्र रसल को लेकर। तो अभी दोस्तों बहुत बिजी शेड्यूल आंध्र रसल का साल 2023 तक का रहने वाला है। अभी ये द 100 लीग खेल रहे हैं, इसके बाद ये UAE वाली लीग खेलेंगे, CPL भी स्टार्ट होने वाला है, CPL भी खेलेंगे, होपफुली BBL में भी ये नजर आने वाले हैं, इसके बाद ये खेलेंगे IPL। बट दोस्तों काफी लोगों का ये सवाल था कि क्या ये वेस्ट इंडीज की टीम में रिटर्न करेंगे T20 स्क्वाड के लिए वर्ल्ड कप के लिए। तो यहां दोस्तों कोई भी अपडेट नहीं है, खुद आंध्र रसल अभी चाहते नहीं है, बट दोस्तों अगर ये खुद चाहें तो इनको टीम मना नहीं करेगी। और एक बार आंध्र रसल स्क्वाड में जाए तो अभी कमजोर दिख रही वेस्ट इंडीज की टीम काफी अच्छी हो जाएगी, जिनके जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं उनको अभी बाहर रखा गया है। देखते हैं दोस्तों यहां पर आंध्र रसल टीम में जाते या नहीं जाते, बट दोस्तों रिसेंटली इन्होंने बहुत ज्यादा थैंक यू KKR फ्रेंचाइजी को दिया है और इसको डिटेल में हम आपको आगे की वीडियोस में समझाएंगे ऐसा क्यों कहा, जब तक के लिए स्टे ट्यून। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।